नरवाना पुलिस ने झूठे बलात्कार के केस में दबाव डालकर वह गवाही पलटने पर 10 लाख रुपए की मांग करने पर एक लड़की और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। लड़की ने झूठे केस में बंद लड़के के पिता को फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें लड़की ने पहले 3 लाख रुपए देने को कहा, जिसके बाद लड़के के पिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार कर एक लड़की व उसके साथी को 2.5 लाख रुपए के साथ मौके से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 28 मार्च को सदर थाना पुलिस नरवाना को ग्वालियर की एक लड़की ने शिकायत दी कि उसके साथ बिधराना गांव के कई लड़कों ने बलात्कार करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इस मामले में लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था। काफी दिन पहले सदर थाना नरवाना में एक लड़की ने बलात्कार का प्रयास करने के बारे में मुकदमा दर्ज करवाया था। अच्छा। उसमें बिधराना गांव के 5 लड़के अरेस्ट हुए थे। तो अब लड़की और उसके साथी ने उनके बिधराना के जो आदमी जेल में बंद था उस लड़के के बाप से संपर्क किया, भाई आप हमें 10 लाख रुपए दोगे तो हम 3 लाख रुपए हमारे को अब दे दो, 7 लाख रुपए हमारे को बाद में दे देना, हम गवाही पलट देंगे, राजीनामा करें, इस बात का दबाव बढ़ा रहे थे। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, भाई हमारे से दबाव बढ़ा के झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, दबाव बढ़ा के पैसा ऐठना चाहते हैं। पुलिस पार्टी ने मतलब रेडिंग पार्टी तैयार करके और कल इनको एक लड़की है और एक इनके साथ संदीप शर्मा नाम का लड़का है, इनको कल काबू किया और जो मुद्दे ने उसको 2.5 लाख रुपये दिए थे वो रुपये बरामद किए हैं। वो लड़की से बरामद हुए, संदीप से हुए सर? संदीप से रुपए बरामद हुए, संदीप ने रुपए लिए थे, लड़की का एफिडेविट दिलवाना था और लड़की साथ ही है, शामिल है इनके साथ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह जी साथ थे जिनकी देख रेख में ये रेडिंग पार्टी ने ये कार्रवाई की है। इनके साथ और भी है कोई जी आदमी मिले? इनके साथ दो नाम जो पीछे मुकदमे थे वो दो नाम हो रहे हैं जिनके तलाश के लिए पुलिस टीम भेजी हुई है और इनके प्रीवियस रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है, पहले भी इस तरह की वारदात की है या नहीं की वो रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है। अभी तक कोई सामने नहीं आया पहले बार? नहीं, अभी रिकॉर्ड मांगे हैं, आ जाएगा, देख लेते हैं जब जो भी शुरू तो कार्रवाई अगली तीन दिन चल रही है। ये पता चले सर यहाँ पे क्यों आई थी, किस लिए आई थी? ये किसी प्रोडक्ट कंपनी में पहले काम करते थे और जो मार्च में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस समय बाद वो कंपनी बंद हो गई थी, अब दोबारा ये पैसे लेने के लिए ही आए हैं।